हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मक्खन कौरमे की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और दानेदार बनता है और बड़ी आसानी से बन जाता है। किसी भी मौके पर या दावत में आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए इस सुपर सी डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ हमने 500 ग्राम रेड मीट ले लिया है। आप इसकी जगह मटन या फिर चिकन भी ले सकते हैं, बस प्रोसेस यही होना चाहिए और इन्ग्रीडियंट्स भी यही होना चाहिए। यहाँ कढ़ाई में 1 कटोरी ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हम यहाँ कोरमे को पैन में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। तो देखिए प्याज यहाँ गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तेल में ऐड कर देंगे तकरीबन 8 से 10 ग्राम मखाने हैं, इसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। कोरमे में मखाने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसको फ्राई करके निकाल लेंगे बाहर। इस वक्त गैस की फ्लेम बंद है। अब इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। अब कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून जीरा है, 7 से 8 लौंग है, 4 से 5 हरी इलायची है, साथ में 2 तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे दही। दही 100 ग्राम है। दही का इसमें बहुत अहम रोल होता है, दही को फेंकना नहीं है, बिना फेंके ही दही को डालेंगे। और दही खट्टा नहीं होना चाहिए, प्लेन दही होना चाहिए। अब कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 2 टेबल स्पून धनिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने केस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी तक गैस बंद थी, अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर दीजिए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी पानी। गोश्त को पकाना है तो गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम कर देंगे गैस की फ्लेम को, और इसको कवर करके पकाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए। बीच बीच में 1-2 बार इसमें चम्मच चला लेंगे। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो आप 2-3 विसल ले लें कुकर में हाई फ्लेम पे, और लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए उसको पका लें। मैं इसको पैन में ही पका रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको पकने में मीडियम फ्लेम पे। गोश्त वहाँ पक रहा है। यहाँ हम कोरमे के लिए खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ हमने लिया है 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 स्टार फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा जावित्री का है और 4 हरी इलायची हैं। आप इन सबको अवन दस्ते में डाल के कूट भी सकते हैं या फिर मिक्सर के जार में ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। अब यहाँ ले लेंगे जो प्याज हमने तल के निकाली थी, उसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून देसी केक कोकोनट। कोकोनट का फ्लेवर कोरमे में बहुत अच्छा आता है। आप इसको मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लें, 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालकर, या फिर आप बिना पानी डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। देखिए यहाँ गोश्त को पकते हुए 35 से 40 मिनट हो गए हैं। मैंने बीच बीच में 1-2 बार इसमें चम्मच चला दिया था और अभी भी इसमें पानी है। गोश्त अच्छे से टेंडर हो गया है। इसमें ऐड कर देंगे जो खुशबूदार सा मसाला बनाया था वो डाल देंगे और चम्मच को चला देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और अब साथ ही में ऐड कर देंगे जो प्याज हमने तल के निकाली थी वो इसमें पूरी डाल देंगे। प्याज के पेस्ट को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कोरमे में से। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्याज को डालते से ही आप देख सकते हैं कि इसकी रंगत कितनी अच्छी हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे जो मखाने तल के निकाले थे वो ऐड कर देंगे और इसको भी चला देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए गोश्त को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर आप ज़रूर ऐड करें, कोरमे में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए। मसाला अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं पूरा तेल सरफेस पे आ गया है और कितना दानेदार मसाला भुना है हमारा। बहुत ही अच्छा इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा टेस्टी ये गोश्त बनता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे।
एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे, तो कोरमे में ज़्यादा पानी नहीं डलता है, बस मैं एक कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा जैसा आप चाहते हैं वैसा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर करते हैं इसको डिश आउट। यहाँ 2-3 मिनट हो गए थे, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था और इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि मटन कोरमा बनके रेडी हो गया है। चलिए अब करते हैं इसको डिश आउट। तो देखिए बनकर तैयार है शानदार खुशबूदार मटन कोरमा। आप इसको खमीरी रोटी के साथ खाइए, बिल्कुल आपको शादियों वाला कोरमे का टेस्ट मिलेगा। या फिर आप रोटी चपाती नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। फिर लेकर आऊँगी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय।